हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, आज एक ऐसा चिमनी है फेवर कंपनी का, लेटेस्ट आया है अभी तक, आप मार्केट में नया नहीं मतलब आया नहीं है, अभी ये लॉन्च हुआ है रिसेंटली, और मैं आप लोगों के सामने ये वाला वीडियो लेके चला आया हूँ। तो इसी प्रकार का नया नया वीडियो अगर आपको देखना है चिमनीज का, कोई भी कम ब्रांड हो सकता है, हिली का हो, फेबर हो, कुछ ना हो, कैफ हो, ग्लेन हो, हिंदवेयर हो, सभी का, चिमनी का हो, हॉब, कुकटॉप, और भी जितना भी किचन अप्लाइंसेस का प्रोडक्ट है, इस चैनल में मिल जाएगा। उसका इंस्टॉलेशन हो, सर्विस हो, चाहे पार्ट स्पेयर पार्ट्स का प्राइस हो, स्पेयर पार्ट्स कैसे लगाना है, रिपेयर कैसे करना है, चिमनी कनेक्शन कैसे करना, A to Z ऑल डिटेल्स भी जो इस चैनल में दिया गया है और आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज ये वाला जो चिमनी लेके आया हूँ, इसमें इतना खासियत है, इसमें इतना फंक्शन है कि आप लोग गिनते गिनते थक जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको अगर हाई सक्शन पावर चिमनी चाहिए, पावरफुल चिमनी चाहिए, और आपको अगर चाहिए कि आपका किचन का धुआं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब जितना भी धुआं हो फटाक से 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा पूरी क्लियर हो जाए, कितना भी धुआं हो जाए तो क्लियर हो जाए तुरंत के तुरंत, तो फिर आपके लिए ये वाला चिमनी बेस्ट रहेगा। अगर फेवर ब्रांड का चिमनी चाहिए तो फिर ये वाला ब्रांड, ये वाला जो मॉडल है बेस्ट रहेगा, नया है मॉडल, आप लोगों को अभी तक पता नहीं है, गूगल में सर्च करेंगे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लॉन्च हुआ है तो इसका फंक्शन वगैरह डिटेल्स सब बताएंगे, प्राइस कितना में पड़ेगा सभी डिटेल्स में बताएंगे। उससे उसके लिए एक छोटा सा काम कीजिए, जो भी इस चैनल में नया लोग जुड़े हैं, पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको पहले जाके ऑल बोल का ऑप्शन कीजिए, और उसी वीडियो के नीचे में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को उसको दबा दीजिए। उसको दबाने में कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उससे दबाने से होगा का आपको इसी प्रकार का मेरा ये वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अगर लगता है कि वीडियो में कोई दम नहीं है तो डिसलाइक करके चला जाएगा, और कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं मेरे बारे में, इस वीडियो के बारे में, ठीक है। और इन फ्यूचर में आपको मेरा चैनल का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और लास्ट में ज़रूर लाइक हो चाहे डिसलाइक हो कोई एक काम करके जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो और किसी भी चैनल में प्रोवाइड नहीं करता, एकमात्र इसी चैनल में ही सब मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर ये वाला चिमनी लेना चाहते तो ओपन किचन अगर आपका घर में है तो इस प्रकार से आप जब इसको लगाएंगे तो इस प्रकार में रहेगा आपका घर में, देखिए यहाँ पर फुल लुक दिया गया है। अगर आपका मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं या फिर बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें अगर लगाना चाहते हैं तो फिर आपको बिल्ट इन कैबिनेट, देखिए उसका जो हुड है, हुड इस प्रकार से ढक जाएगा और इस प्रकार से आपका चिमनी रहेगा। ये रहा आपका जो हॉब है, कुकटॉप है, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको इसमें कर सकते हैं। तो एक 90 सेंटीमीटर का चिमनी है, आप अगर इसको सेंटीमीटर में कहेंगे तो 89.7 मतलब 90 सेंटीमीटर का एक चिमनी है। तो आप लोग अगर इसे लेना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए, आपका 3 बर्नर 4 बर्नर अगर हॉब है तो आपके लिए ये सुइटेबल रहेगा। ये तो रहा फास्ट, इसमें आपको बता दिया है कि ओपन किचन में इस प्रकार दिखेगा, बिल्ट इन किचन में, बिल्ट इन अगर मॉडुलर किचन आपने बनाया है तो इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों का एक काम हो गया, फास्ट काम इसका। और सेकंड जो खासियत इसमें जो दिया गया, इसमें नॉइज़ लेवल, नॉर्मली जो किचन नॉर्मली घर में जो हम लोग बातचीत करते हैं घर में, तो उसका जो नॉइज़ होता है लिविंग रूम का कन्वर्सेशन नॉइज़ लेवल होता है 40 डेसिबल, कितना है 40 डेसिबल, और जो म्यूजिक हम लोग जब चलाते हैं उसमें नॉइज़ लेवल होता है 70 डेसिबल, ठीक है। और इस चिमनी में जो नॉइज़ लेवल दिया गया है मात्र 52 डेसिबल इसमें दिया गया है, कितना दिया गया, मात्र 52 डेसिबल, जो कि आप लोग अगर लो नॉइज़ लेवल चिमनी ढूंढते हैं, वही फेवर कंपनी का बेस्ट चिमनी आपके लिए, लो नॉइज लेवल चिमनी, नॉइजलेस चिमनी, ये वाला आप ले सकते हैं। सेकंड आपको हो गया नॉइजलेस चिमनी, ये वाला है, ठीक है। चिमनी चलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा चिमनी चल रहा है कि नहीं, इतना सॉफ्ट नॉइज। तीसरा और क्या चीज़ दिया गया, जीरो टच इंटेलिजेंट जेस्चर कंट्रोल, जीरो टच, आपको टच करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप जेस्चर से काम करेंगे आपका ये काम करेगा। तो तीसरा हो गया, और क्या चीज़ इसमें दिया गया है, और देखिए इसमें जो सक्शन होगा, क्या चीज़ इसमें जो सक्शन होगा,
मतलब देखिए, ये तो नॉर्मली इंक्लाइन टाइप चिमनी है। नॉर्मली होता क्या है, ये आपका जो हॉब है पूरा कवर कर लेगा, यहाँ से भी धुआं अगर ऊपर भी जाएगा तो उसको भी खींच लेगा। मतलब इसका डिजाइन ही अलग तरीके से किया गया है, पूरा हॉब का गैस मतलब का कहीं जाना ही नहीं देगा। इंटरली एडजस्ट ऑटोमेटिकली, आपका घर में जितना धुआं होगा उस हिसाब से जो है चिमनी उसका जो है सक्शन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ा और घटा कमा कर सकते हैं। उस हिसाब से वो चिमनी खुद से ही नहीं, खुद को सक्शन बढ़ा के आपका जो स्मोक को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा चौथा जो इसमें दिया गया, इजियर क्लीन विथ, देखिए द इजी टू क्लीन डिजाइन। इसमें एज वाला जो चिमनी है, देखिए इसमें डिजाइन, देखिए इसका हैवी जो डिजाइन किया गया है, इसको आप इजी से क्लीन कर सकते हैं। सही से नहीं कर पाएंगे तो वो चिमनी देखने में भी गंदा लगता है, बाद में ऑयल ड्रिपिंग होता है, तो इसमें वो वाला प्रॉब्लम है नहीं, तो इजी से आप लोग इसको क्लीन कर सकते हैं। और एक क्या चीज़ दिया गया, इसमें डबल ऑयल ट्रे दिया गया है, एक दो ये वाला एक ठो है और ये वाला, तो दो ठो ऑयल ट्रे दिया गया, जो कि जो इसमें जो भी ऑयल वगैरह जमा होगा उसका ऑयल कलेक्ट कलेक्शन ज़्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी आपको ऑयल कलेक्टर खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दो ठो ऑयल कलेक्टर इसमें दिया गया है, चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद उसमें जो आता है सबसे ज़्यादा, हाई टेम्परेचर सिस्टम क्लीनिंग टू इजीली रिमूव स्टाबन ऑयल स्टेन। मतलब इसका अंदर में चिमनी में होता क्या, धुआं वगैरह खींचता है, ग्रीस वगैरह अंदर में पूरा चला जाता है। एरा इसका ब्लोअर, जो मोटर मोटर के ऊपर में ये ब्लोअर रहता है मेटल का, तो इसमें पूरा है जम जाता है, पूरा एकदम ग्रीस वगैरह जम जाता है, इसको घूमने नहीं देता ब्लोअर, घूमता नहीं, पंखा घूमता नहीं है, पंखा अगर नहीं घूमे तो सक्शन कैसे करेगा, तो इसको घूमने नहीं देता है। तो इसको ही क्लीन करने के लिए क्या दिया गया, 110 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर स्टीम क्लीनिंग। 110 डिग्री में इसको पूरा हीट करेगा और 100 हीट करके जो भी इसमें जो एलिमिनेट ऑयल स्टेन रिमूव ऑडर्स जो भी रहेगा इसमें वो सभी को पूरा एकदम क्लीन कर देगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड के इसमें टेम्परेचर में, तो जल्दी से जैसे इसको इसका अंदर को भी फुल्ली क्लीन कर देगा। तो इसमें होगा क्या, आपका जो चिमनी का लॉन्जिबिलिटी जो है, मोटर का ब्लोअर का लॉन्जिबिलिटी बढ़ जाएगा, जो वारंटी वगैरह वो बढ़ जाएगा, और जो कि है आपको सर्विस कम कराना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा चीज़ आपको हो गया। उसके बाद क्या चीज़, जो लाइट दिया गया, देखिए कितना बड़ा लाइट दिया गया है, स्क्वायर का स्क्वायर लाइट दिया गया है उसमें, वो भी क्या कर सकते हैं आप, इसको एडजस्ट कर सकेंगे, इसका जो लाइट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर धीमा लाइट चाहिए तो लॉन्ग प्रेस टू एडजस्ट ब्राइटनेस का, अगर आपको धीमा लाइट चाहिए तो थोड़ा सा दबाएंगे जो लाइट वाला बटन है उसको थोड़ा सा और दबाएंगे तो इसमें धीमा भी लाइट होगा और ज़्यादा ब्राइटनेस, मतलब आपका किचन में अलग से जो है लाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चिमनी का जो लाइट है, रोशनी है, उसी में से आप प्रॉपर खाना को बना सकते हैं प्रॉपर लाइट में। पांचवा हो गया। उसके बाद क्या चीज़ आता है सबसे बढ़िया, इसमें जो दिया गया बूस्टेड एग्जॉस्ट एफिशिएंसी डिस्चार्ज, मतलब आपका घर में पहले हमने बोले थे जितना भी धुआं होगा तुरंत निकाल देगा, ठीक है। दो दो ओवन अगर चढ़ाएंगे, तीन भी चार भी जितना भी ओवन चढ़ाएंगे तो तुरंत इसको निकाल देगा, क्योंकि इसका जो है बेल डीसी मोटर दिया, क्या दिया गया, बेल डीसी मोटर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वाइंड प्रेशर फॉर इम्प्रूव द एग्जॉस्ट परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंट। धुआं होगा उतना ही जल्दी इसे बाहर निकाल, आपको पता ही नहीं चलेगा धुआं हुआ था कि नहीं हुआ था इस प्रकार, और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो खुद को सक्शन पावर प्रेशर बढ़ा लेगा और ख़त्म कर देगा, सक्शन को बाहर निकाल देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा धुआं हो रहा है, आपका जो आप खाना ऑयली खाना बना रहे उसमें धुआं हो रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ें दिया गया है, देखिए किस प्रकार से फटाफट से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो इसमें बीएलडीसी मोटर, और बीएलडीसी मोटर को आपको तो पता ही है, बीएलडीसी मोटर मतलब इसमें आपको वाटेज कम लगेगा, इलेक्ट्रिक खर्चा आपका कम आएगा और सक्शन पावर ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए इसका सक्शन देखिए, अब देखिए इसका काम, फास्ट एक्सट्रैक्टिंग डबल एयर डक्ट्स फॉर सक्शन सुइटेबल फॉर डिफरेंट कजिन। कि कितना दिया गया, 1800 MQ पर आवर, 1 घंटा में 1800 MQ पर आवर में, 1 घंटा में जितना धुआं होगा, देखिए 1800 सक्शन पर। आप लोग फेबर में लास्ट सक्शन पर कितना देखे थे, 1500, कुछ ना में लास्ट सक्शन पर कितना देखे थे, 1600, और भी कोई कंपनी होगा उसमें कितना देखे थे, मे बी 1600, ठीक है। तो इसमें सबसे हाईस्ट सक्शन पावर अभी कभी कोई भी ब्रांड में अभी तक आया ही नहीं है, इसमें 1800 सक्शन पावर लॉन्च कर दिया गया है,
1800 सक्शन पावर इसमें दिया गया है। और एक खासियत इसमें क्या चीज़ दे, देखिए इसमें यहाँ से भी नीचे से भी एक फिल्टर, इसको फिल्टरलेस चिमनी कहते हैं, ठीक है, इस नीचे से भी खींच रहा है और ऊपर में जो थोड़ा सा चला जा रहा है ऊपर में भी इसका सक्शन करेगा, तो धुआं कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं है। एक तो हाई सक्शन जिसके वजह से आपको कहीं भी धुआं इधर भी चला जाए वो जाने देगा ही नहीं, क्योंकि उतना हाई सक्शन पावर है कि सब खींच लेगा। तो एक तो आपका घर में किचन में धुआं वगैरह होगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये AI बेस इसका जो सक्शन पावर है, और वो जो भी ऊपर में जाएगा उसको भी खींच लेगा, फ्री हो जाएगा। ये तो हो गया छठा। उसके बाद क्या आता है, जो चीज़ हमने आपको बोले थे कि 897 mm के इसका जो ही है, उसके बाद डबल एयर डक्ट्स इसमें दिया गया BLDC मोटर में, जो कि लो नॉइज लेवल देता है और लॉन्ग लाइफ स्टाइल। इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग जब भी टॉप सक्शन वाला जो चिमनी लेते हैं, ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ में प्रॉब्लम आता है। नॉर्मली उसमें स्मोक ओवर फ्लो हो जाता है, जो कि फास्ट जो इमेज है स्मोक ओवर फ्लो हो जाता है। सेकेंड में सम टाइम विल हीट यूजर हेड, जो खाना बनाता है कभी कभी उसका जो है माथे पे लग जाता है, नॉर्मली लगता नहीं लेकिन कभी कभी लग जाता है, ठीक है। सेकेंड थर्ड मतलब जो हर टाइम तो एक ही आदमी नहीं खाना, कोई भी किचन में जा सकता है उसको यूज़ करने में, तो जो भी जाता है कभी कभी उसका लगता है, ये एक सेकेंड पास। थार जो है हाई लोकेशन इंस्टॉलेशन, इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है एक टू हाइट में हो, थोड़ा सा हाइट में होता है, तो ये तो तीसरा। और इधर वाला देखिए राइट साइड वाला जो ऑप्शन है, इन इसी इंक्लाइन चिमनी सेम इसी प्रकार का चिमनी है, कुछ अलग है। तो इसमें देखिए ब्लॉक साइड, इसका जो सक्शन होता है साइड में क्या होता है ब्लॉक हो जाता है, मोर स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें जो है स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और हायर नॉइज लेवल, इसमें जो नॉइज लेवल है जो कि नॉर्मली आप लोग चिमनी, अगर चिमनी आप चला लेते हैं आपका घर के लिए, तो आप लोग थोड़ी ना चाहेंगे कि मोटर जैसे मतलब जो जनरेटर जो स्टार्ट होता है उसका उस टाइप का आवाज़ आए, ठीक है। तो लो जितना नॉइज लेवल शांति रहेगा घर में, आराम से चलेगा चिमनी, आप पता ही नहीं चलेगा कोई चीज़ चल रहा है, तो जितना नॉइज लेवल कम रहेगा उतना अच्छा होगा। नॉइज लेवल ज़्यादा होने से आप लोगों को पता है क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये सभी का प्रॉब्लम देखिए इसमें क्या दिया गया। ट्विन सक्शन डिजाइन एक तो है, इसमें स्ट्रॉन्ग सक्शन होगा और स्लिम बॉडी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये सब में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है चलिए, और इसमें देखिए बिल्ट इन होड इजी इंस्टॉलेशन, इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं आपका अगर बिल्ट इन किचन है। ट्विन सक्शन पर स्टीम क्लीनिंग इसमें दिया गया है, डबल स्टोरेज ऑयल ट्रे, स्मोक सेंसर, ऑटोमेटिक स्पीड दिया गया है, और क्या चीज़ लो नॉइज लेवल दिया गया। चलिए अभी आप लोगों को बताते हैं कि ये आप लोग अगर इसे परचेज करेंगे तो कितना में आप लोग परचेज कर पाएंगे। आप लोग इसका मॉडल नेम सबसे पहले हम बताते, मॉडल नेम है हुड, क्या चीज़ है मॉडल नेम है थंडर स्ट्रोम, AFL फिल्टरलेस, SW स्टीम वॉश, SC मतलब जेस्चर कंट्रोल, BK90 स्टीम वॉश का अगर आप लोग जानना चाहते हैं, स्टीम वॉश का आप लोग ऑलरेडी हमने वीडियो दे दिया था, जो कि है बोल्ट चिमनी है, थंडर बोल्ट चिमनी है, और सभी स्टीम वॉश चिमनी है, तो ये भी एक थंडर स्ट्रोम चिमनी है। तो इसमें देखिए जो पाइप कनेक्टर यहाँ से है वो राइट साइड में, इसमें जो वोल्टेज कितना यूज़ होता है 220 वोल्टेज, फ्री रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 Hz में, मैक्सिमम एयर फ्लो 1800 mQ पर आवर में, मोटर का वाटेज है 160 W, स्पीड 3+ टर्बो स्पीड दिया गया है, 3 स्पीड है प्लस, इसमें टर्बो स्पीड भी अलग से दिया गया है, ठीक है, 1, 2, 3+ टर्बो स्पीड। जैसे कि आप लोग बोल्ट चिमनी जो थंडर बोल्ट चिमनी में जिस प्रकार का देखे हैं होंगे स्पीड वगैरह, उसका टच पैनल स्विच पैनल सेम प्रकार का है, ठीक है। और इसमें जो है MRP कितना है इसका, इसका जो MRP है 71,500, कितना है 71,500 इसका MRP है। तो एक इसका सक्शन पावर जितना है, आप लोगों को पता है जितना सक्शन पावर होता है उसका फंक्शन वगैरह जितना होता है उस हिसाब से उसका प्राइस भी रहता है। इसका MRP 71,500, तो ये करीबन आप लोगों को मिल जाएगा 45-46 हज़ार में, आप लोगों को ये मार्केट में मिल जाएगा। अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये तो अभी लॉन्च ही हुआ है, और लॉन्च होने का देखिए कल परसों ही लॉन्च हुआ था, हम आपको लेके वीडियो लेके चलाया हूँ। और जब ये वाला मॉडल हम लोगों के पास चला आएगा तो इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो, सभी वीडियो आप लोगों के इसी चैनल में मिल जाएगा, और उसका रिव्यू वीडियो भी हम आगे दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा के जरूर रखिएगा। इसका जो प्रोडक्ट डायमेंशन देखिए फुल्ली यहाँ पर दिया गया है, प्रोडक्ट डायमेंशन देखिए
इसका जो लेफ्ट साइड से राइट साइड 897 mm, इसका जो देखिए पीछे का हिस्सा है 290, ये देखिए ऊपर का, मतलब सभी का जो है इसमें प्रोडक्ट डायमेंशन दिया गया है। तो आपका अगर मॉडल, आपका अगर ए वाला मॉडल आप लेना चाहते हैं, अभी से डिसाइड कर लिए हैं, तो यहाँ पर जो आपका किचन बना रहा है उसको ये वाला दिखा दीजिए, उसको ये वाला इमेज दिखा दीजिएगा, वहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में इसका जो है नाप दिया हुआ है, इस हिसाब से जगह छोड़ के आप किचन को बना सकते हो। उसके बाद जब चिमनी आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर आएगा तो उसके बाद लगा लीजिए एकदम फुल्ली, आपको इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फुल प्रोडक्ट डायमंड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको MRP भी बता दिया, उसका प्राइस कितना में पड़ेगा वो भी आपको बता दिया, और इसका फुल डिटेल्स आप लोगों को पता चल गया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को आगे भी चाहिए होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाना, फिर आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।